गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ सब्जेक्ट फॉर क्लास सेवंथ एक्सरसाइज 4B। स्टूडेंट, कल मैंने अपना लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 4B का 6 नंबर का भेजा था, 7 नंबर का सेंड किया था। आज हम 7 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड Added to -6/11, so as to get 4/9। क्वेश्चन ये रहा, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कौन सी नंबर को एड कर दिया जाए -6/11 में, सो एज टू गेट 4/9। तो रिजल्ट गेट 4/9 हो जाता है। तो हम स्टूडेंट कौन सी नंबर ऐड कर दिया जाए, तो मान लेते लेट नंबर शुड बी एडेड बी एक्स, ठीक है। -6/11 प्लस एक्स इजकल टू रिजल्ट हमारा गेट होता है 4/9। इन वर्बल नंबर बाहर निकाल लेते हैं, तो 4/9 माइनस के 6/11 उस सेकंड साइड में जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 6/11। एक्स इजकल टू इनका एलसीएम लेंगे, 99 आएगा, तो 9 का डिवाइड 99 में करेंगे, 11 टाइम होगा, तो 11 4 = 44 प्लस 11 9 = 99, तो 6 9 = 54। इन दोनों को ऐड करेंगे तो होता है होता है 98/99, ये इसका आंसर होगा। इस मतलब कि एक्स इक्वल टू जो 98/99 निकला, तो हमें पता चला कि 98/99 नंबर को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट 4/9 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट हमारा है, वो सॉरी 7 का जो थर्ड क्वेश्चन है, 7 का जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -8/15 सो एज टू गेट -5/6। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि कौन सी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इतने में से, तो रिजल्ट जो गेट होता है वो इतना हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द नंबर शुड बी एक्स इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट तो -8/15 -6 = -5/6। माइनस एक्स को बाहर निकाल लेंगे, इन वर्बल नंबर बाहर आ जाएगी, तो -6 = -5/6। माइनस के 8/50 उस साइड में जाएंगे तो प्लस के 8/15, इसका एलसीएम लेंगे 15 का, तो इसका आ जाएगा एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 और 6 तो 2 3 = 6, 3 5 = 15, 3 1 = 3 5 = 30, 6 5 = 30, 15 2 = 30, 5 5 = 25, 8 2 = 16। तो -x = -25 में से 16 माइनस होंगे तो -9, 9 से 9 माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा
नाइन अपॉन थर्टी, या इसको कह सकते हैं थ्री थ्री या नाइन थ्री टेन या थर्टी, या इसको थ्री अपॉन टेन भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई पर डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाई देखो, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर एट, नहीं हाँ अभी नहीं है, क्वेश्चन नंबर एट है। व्हाट शुड बी एडेड टू वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फाइव टू गेट फोर। बस स्टूडेंट इसको भी ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। तो ये ऐसे क्वेश्चन टू टाइप से भी करे जाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल वो टाइप बता रहा हूँ जो आपके लिए हमेशा के लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो लेट द नंबर एडेड इक्वल एक्स, देन वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फाइव प्लस एक्स इजक्ल टू फोर। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा थर्टी, फिफ्टीन का यहाँ हो जाएगा, टेन का यहाँ हो जाएगा, थ्री टेन जा थ्री फाइव सिक्स जा थर्टी, फिफ्टीन प्लस टेन प्लस और हाँ सॉरी यहाँ थर्टी का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वन मान लेते डेनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ थर्टी का हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्स प्लस थर्टी एक्स इजक्ल टू फोर, तो फिफ्टीन टेन फिफ ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव और सिक्स थर्टी वन। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, यहीं कर दे रहा हूँ पास में, तो इस थर्टी वन प्लस थर्टी एक्स अपॉन थर्टी इजक्ल टू वो है हमारा फोर। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब दो इक्वेशन फ्रैक्शन में होती है इक्वल में, तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। थर्टी वन प्लस थर्टी एक्स इजक्ल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी, थर्टी एक्स इजक्ल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी माइनस थर्टी वन, थर्टी एक्स इजक्ल टू नाइन एट, एक्स इजक्ल टू एट्टी नाइन अपॉन थर्टी, ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, थैंक। तो स्टूडेंट अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन पे डिस्कस करेंगे, वो सॉरी मल्टी क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पे। तो स्टूडेंट उसमें सिंप्लीफाई में सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। माइनस फाइव अपॉन सिक्स माइनस सेवन अपॉन माइनस एट प्लस इलेवन अपॉन ट्वेल्व माइनस माइनस वन अपॉन सिक्स प्लस जीरो माइनस माइनस सेवन अपॉन माइनस सिक्सटीन। माइनस से माइनस स्टूडेंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और देखो स्टूडेंट ये जीरो का भी कोई मीन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस फाइव अपॉन सिक्स, ये माइनस जो एट है उस तरफ चला जाएगा, मतलब ऊपर ले लेंगे इसको, नीचे से कहाँ ले लेंगे ऊपर, तो ये माइनस और माइनस सेवन, तो ये जाकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कुल मिलाकर के। ठीक है, तो दोनों माइनस ये वाला माइनस जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस और वो माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, तो सेवन अपॉन एट इलेवन अपॉन ट्वेल्व माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा वन अपॉन सिक्स, और ये माइनस ही रहेगा सेवन अपॉन सिक्सटीन। स्टूडेंट इन सब का एलसीएम अगर हम लेंगे तो आएगा फोर्टी एट, इसमें एट का मल्टीप्लाई होगा, इसमें सिक्स का होगा और इसमें फोर का होगा, इसमें एट का होगा और इसमें थ्री का होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस फोर्टी हो जाएगा, ये प्लस के फोर्टी टू हो जाएंगे, ये फोर्टी फोर प्लस और माइनस के ट्वेंटी वन, माइनस के फोर्टी और माइनस के ट्वेंटी वन हो जाते हैं ये सिक्सटी वन, और इनको इनको ऐड करेंगे तो हो जाएंगे
ये 44 और 484, 44 और 42 86, 86 और 8 94, 94 माइनस के 61 अपॉन 48, इनको माइनस करेंगे तो 33 अपॉन 48, तो 3 से कैंसिल कर 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3 और ये 16, तो ये इसका आंसर आएगा स्टूडेंट। तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं उसको कर करके इस वीडियो को पेस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम।